हाय गाइज, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। सो बहुत दिन बाद DSLR लेकर के मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि जब से अरुण का नया वाला फ़ोन आया था Poco X3, मैं उसी से मतलब व्लॉग बना रहा था। लेकिन आज बहुत दिन बाद DSLR लेकर के हाथ में व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग बना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है DSLR से, मतलब एक अलग ही फीलिंग आता है जब भी मैं DSLR से लेकर व्लॉग बनाता हूँ। एक अलग ही फीलिंग आता है जो कि वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। सो आज का व्लॉग मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ हम लोग का नया गेट, और उस साइड हम लोग के घर के पीछे बन रहा है गैरेज, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला था, जिस जो कि देख करके आप में से बहुत कोई बोल रहे थे कि आकाश भाई एक व्लॉग बनाइए जिसमें भी आप अपना नया गेट दिखाइए पूरा अच्छे से, और आपका गैरेज कहाँ पर हो रहा है वो भी आप लोग दिखाएं, और ये भी बताएं कि किया आपका कब आएगा। किया तो मतलब आ ही नहीं रहा, 2 महीना पार हो गया अभी तक, लेकिन मेरा किया आ नहीं रहा। देखते हैं कब आता है मेरा किया। सो चले गए इस व्लॉग में बने रहे, आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा, गैरेज कहाँ पे बन रहा है, फिर गेट का डिज़ाइन कैसा है, सब कुछ मैं आप लोग दिखाने वाला हूँ। सो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते रहे एंड तक, हमारे चैनल पर आया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सो चले गए आज का व्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग का गैरेज कहाँ पर बन रहा है, देन उसके बाद दिखाऊंगा गेट। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि हम लोग का जो ओल्ड गेट है वो इधर रखा हुआ है, उस साइड है मेरी दादी। ये देखिए, ये भी जाएंगी मतलब मंदिर में, पूजा पाठ सब कुछ होगा, वो भी मंदिर में जाएंगी। और इधर हम लोग का ओल्ड वाला गेट जो कि इधर रखा हुआ है, और घर का हाल देख ही सकते हैं, इधर इतना सारा ईंट ये सब कुछ रखा हुआ है। फिलहाल बहुत सारा काम हो रहा है अभी घर पर, और इधर भी सारा ईंट ये सब कुछ रखा हुआ है, शायद आप लोग समझ में आ रहा है। इधर पूरा एकदम आगे पूरा बालू वो सब कुछ रखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अभी घर पर। ये देखिए इधर ये सब कुछ बालू ये सब कुछ रखा हुआ है। सब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फाइनली हम लोग का गैरेज कहाँ पर बन रहा है, कितना दूर काम हुआ है। चलिए सो ये देख सकते हैं कैसे हम लोग फाइनली आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं इधर बन रहा है हम लोग का गैरेज। क्योंकि ये जगह पर मैं बहुत बार मेरा वीडियो भी शूट किया था, अरुण का जो फ़ोन आया था तब भी मैं ये जगह पर ही वीडियो शूट किया था, क्योंकि हम लोग का उधर है मेन रोड और गाड़ी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। सो इसलिए मैं ये जगह पर आता है, मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ ताकि इधर मतलब गाड़ी का ऐसा कुछ नॉइज़ थोड़ा कम आता है। और देखिए इधर गैरेज बन जाएगा अब तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अगर मेरा इन फ्यूचर का अगर मन करे टेक चैनल खोलने का, तो इधर मैं ग्रीन स्क्रीन वैसा कुछ मैं लगा करके एक लाइटिंग सेटअप अच्छा था, गाड़ी को मैं बाहर रख दूँगा, फिर वैसे करके इधर मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा जब वो पूरा कंप्लीट होगा काम। तो देखिए ऐसा पूरा हम लोग के गैरेज का काम हो रहा है, और इधर है पापा, एक पापा भी पूरा काम कर रहे हैं इधर। आपको अच्छा लग रहा है ये वाला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। गैरेज बन रहा है तुम्हारा? गैरेज बन रहा है, लेकिन कार का अभी भी कुछ पता नहीं, अभी कार कहाँ। मार्च महीने को आ जाएगा, मार्च में आएगा, मार्च में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, किया वालों क्या कर रहे हो, कुछ तो करो जल्दी थोड़ा, मतलब इतना दिन का वेटिंग मतलब एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है कार का। 4 महीना मतलब कितना दिन टाइम लगेगा नहीं पता, 2 महीना तो पार हो गया, और देखते हैं कितना देर टाइम लगता है। और वैसे सही भी, हम लोग का गैरेज बन रहा है फिर गेट हो रहा है, मतलब अच्छा मतलब टाइम लग रहा है, तो उसमें सही भी है क्या? कोई बात नहीं, 90 दिन तो उन्होंने तो टाइम दिया है। हाँ देखते हैं टाइम 90 दिन के अंदर आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। सो बस इधर हो रहा था हम लोग का गैरेज का काम, अभी मैं दिखा देता हूँ हम लोग का गेट का डिज़ाइन बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है। सो चले चलते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि घर के बाहर का कैसा पूरा सीन है। सो चलिए आगे है हम लोग का नया गेट, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं फिलहाल ये बड़ा पूरा जाम हुआ है ऐसे करके। ये देखिए ये पाइप का गेट है बेसिकली, लार पर हल्का हल्का सब कुछ दिखता है इससे, और ये मतलब अंदर साइड से कुछ ऐसा डिज़ाइन, अंदर साइड से सिंपल ही है ये, मतलब खोलने का ऐसे करके, इधर एक लॉक टाइप का है, इधर भी एक है, और बस अंदर से कुछ दिखाने जैसा तो नहीं है फिलहाल, और पूरा ये सब कुछ जाम हुआ है। जब कितना और 2-3 दिन में ये सब कुछ, ये सारा जो लकड़ी आप देख सकते हैं सब कुछ हट जाएगा, तो उसके बाद स्कॉर्पियो का घुसाएंगे, उसका भी एक अलग से क्लिप बनाएंगे कि मतलब फर्स्ट टाइम कार मतलब घुसेगा, उसका भी मतलब अलग से ब्लॉग आएगा आप लोग को, बहुत ही देखने को मिल जाएगा। जब ये सब कुछ हट जाएगा गेट का, मतलब फर्स्ट टाइम जब ओपनिंग होगा तब स्कॉर्पियो को घुसाएंगे यहाँ से, तब उसका भी एक अलग से ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। पर अभी फिलहाल कुछ ऐसा हाल है, और बाहर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए एक बार ये वाला गेट से हम लोग निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं इसका सामने का लुक कैसा है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने का लुक हम लोग के गेट का, ये देखिए मतलब हम लोग का घर का पूरा सोई भी मतलब चेंज कर दिया, इतना अच्छा लुक है वाला गेट का। देखिए जो आप लोग लॉक देखे इससे मतलब अंदर वाला लॉक खुल जाता है ऐसे करके, ये देख सकते हैं पहले हम लोग के इधर वो वाला गेट था जो छोटा वाला गेट है, अभी देखिए तो कैसा पूरा लग रहा है। ये वाइड एंगल लेंस है, इसके साथ आप लोग को छोटा छोटा मतलब दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल बहुत बड़ा साइज का ये वाला गेट, और जब वो पूरा एकदम कलर हो जाएगा उसके बाद और भी एकदम खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग का दिखा दिया, आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था इसलिए मैं ये वाला व्लॉग बना रहा हूँ। और फिर कैसा पूरा डिज़ाइन किया हुआ है ये देख सकते हैं,
पूरा पेंट हो गया बोला अभी इतना अच्छा देखिए नहीं एक बार पूरा पेंट होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और ये वाला गाड़ी का क्या हो गाड़ी तो स्टार्ट बंद हो गया ट्रक का ही वाला। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और छत का ये वाला काम तो मैं तो आप लोगों को पहले ब्लॉग में बहुत बार दिखा चुका हूँ आईफोन वाला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था पूरा छत का ये वाला काम सही तो फिलहाल दिखाने का कुछ जैसा नहीं है और इधर सब कुछ ईटा वीटा सब कुछ रखा हुआ है और इधर बस और कुछ दिखाने जैसा तो नहीं है गाइस। आप बस आप लोग भी प्रे कीजिए कि मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग का नया कार आ जाए मतलब एक एक्साइटमेंट जो होता है नया कार को पूरा एकदम खत्म हो जा रहा है। सो बस गाइस यही था आज का व्लॉग आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था इंस्टाग्राम पे तो इसीलिए मैं सोचा कि एक व्लॉग बना करके आप लोग को दिखाई देता हूँ। सो आप लोग का व्लॉग उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा ये वाला पूरा आप लोग का डिमांड के ऊपर ही वाला व्लॉग में बना है लेकिन मेरा ऐसा बनाने का कुछ भी इंटेंशन नहीं था आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैं सोचा व्लॉग बना देता हूँ आप लोग को दिखाई देता है क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली है सो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है कि हम लोग के घर पर क्या क्या काम हो रहा है। सो मैं कार का शेयर किया तो मैं इसलिए सोचा कि नया गेट और गैरेज का मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। सो बस दोस्तों यही था आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा। सो अगर अच्छा लगा आज का व्लॉग तो लाइक करना मत भूलिएगा जो लोग मेरे हेटर्स है वो लोग डिसलाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मैं तक और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी मुझे जाना है मेरा जो नया स्कूटी एक्टिवा जो कि आप लोग जानते हैं उसका सर्विसिंग करवाने के लिए जाना है उसका भी ब्लॉग आप लोग को देखने को मिल जाएगा चैनल पर। सो वो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग सो ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो सो बाय बाय।